आधार कार्ड के जैसा ही दोस्तों किसान कार्ड बनाने का भी एक सरकार ने निर्देश दे दिया है कि अब जो है आप हर किसान के पास एक किसान कार्ड होगा। और ये किसान कार्ड क्या है, इसको कैसे बनाया जाएगा और सरकार ने इसके बारे में और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या दी, इस किसान कार्ड से आपको लाभ क्या मिलेगा और इसको बनवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं, अगर आप किसान कार्ड बनवाते हो तो आपको लाभ क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना, कंप्लीट देखना इसको, वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि आपके यहाँ आने से पहले ही आपको ये समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और क्या क्या बेनिफिट होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कोई भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों। क्या है किसान कार्ड और कैसे ये बनेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो हाल ही में दोस्तों सरकार ने एक अपडेट जारी करके बताई है, हर एक किसान को किसान कार्ड बनवाना है और उससे आपको आने वाली सभी बेनिफिट को एक जगह पर कर दिया जाएगा और आपके सभी जमीन, जितने भी ज़मीन हैं, जो भी आपका भूमि है, जितना भी आपके पास खेत है, वो सारी चीज़ें उस किसान कार्ड के अंदर मैप हो जाएंगी और वो कहीं पे भी आपको फ्यूचर में जो भी आपको किसान के लिए, जो भी आपके लिए कोई भी स्कीम आएगी तो ये किसान कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले स्टेप में, किसान कार्ड है क्या। दोस्तों ये किसान कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर आपकी सारी जमीन, जितने भी आपके नाम से जुड़ी हुई हैं, वो सभी जमीन को एक साथ में मैप करके, यानी कि इसको जोड़ करके एक कार्ड के अंदर इसको सुरक्षित कर दिया जाएगा। जब भी आप कहीं पे भी कृषि से जुड़ी काम के लिए अगर आप जाएंगे तो जब आपको जमीन का ब्यौरा मांगा जाएगा तो उस कार्ड नंबर से, एक कार्ड नंबर जारी होगा, उस कार्ड नंबर से ही आपका सारा जमीन का डिटेल फैच कर लिया जाएगा, यानी कि उसको देख लिया जाएगा, सभी जमीन की डिटेल उनके पास दिख जाएगी और आपको ज़्यादा दस्तावेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप किसान कार्ड बनेगा कैसे। तो बनाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि कृषि विभाग के दो कर्मचारी, एटलीस्ट दो कर्मचारी हर गांव में कैंप एंड शिविर लगा के इस कार्ड को जुलाई के मंथ में पूरा करने वाली है। और अगर इसके बावजूद अगर कोई बच जाता है तो दोस्त 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके लिए किसान खुद भी किसान ऐप से कर पाएगा और इसको आप जनसेवा केंद्र, CSC केंद्र पर भी जाके आप अपना किसान कार्ड और किसान नंबर जारी करवा पाएंगे। तो बात आती है कि इसको कौन कौन बनवा सकता है, तो इसमें दोस्तों किसी का भी कोई लिमिट नहीं दिया गया है। हर एक किसान धारक को, हर एक किसान को जिसके पास भी भूमि है, जो भी किसानी करता है, उसको ये कार्ड जारी करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसको बनवाने के लिए दस्तावेज़ क्या क्या लगने वाले हैं। तो इसमें आपको आपका आधार कार्ड लगने वाला, इसमें आपको आपका आधार कार्ड लगने वाला है और आपका जो भी है खसरा गाटा संख्या खतौनी, जितना भी आपका भूमि का डिटेल होता है, ये सारी चीज़ें आपको दस्तावेज अपने साथ लेके जाना है किसान कार्ड बनवाने के लिए, जिसमें आपका आधार से डिटेल आपका फेच किया जाएगा और आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके फादर और जो भी आपके फैमिली मेंबर्स में हैं, उनके डिटेल के साथ में खेत का पूरा विवरण जो है उसके अंदर मैप किया जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसान कार्ड बनेगा, किसान नंबर कब जारी होगा। जैसे ही आपका पूरा डिटेल यहाँ पर अंडर मैप हो जाएगा, वेबसाइट में सबमिट होगा, उसके बाद ही आपको जो है एक किसान कार्ड जारी किया जाएगा। उस किसान कार्ड से आने वाले जो आपको किसान, जो आपको पैसा मिलता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, उस पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी इसी नंबर से अब जो है आपके खेत का विवरण भी मैप कर दिया जाएगा। तो आने वाले दिसंबर का जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो भी इसी कार्ड के जरिए भी मैप करके दिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश ही पहला एक ऐसा राज्य है जो इस मिशन को कंप्लीट करने वाला है। अभी तक ऐसा किसी भी राज्य में कार्ड बनाने का कोई भी प्रक्रिया नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश बनेगा कि जो अपने सभी किसानों को किसान कार्ड जारी करके देगा। अगर आपको खेत से रिलेटेड कोई भी काम होगा दोस्तों तो आप इस किसान कार्ड से ही बेनिफिट पाएंगे और किसान नंबर डालते ही आपका पूरा जो है खेत का विवरण उनके पास आ जाएगा। आप सभी को पता होगा कि आपका जो फैमिली नंबर होता है, जो आपका फैमिली आईडी होता है, जो आपका आधार कार्ड होता है, आधार नंबर डालने के बाद आपकी सारी डिटेल फेच हो जाती है, आपका
नेम, फादर नेम जो भी है, वैसे ही फैमिली आईडी डालने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स का नाम आ जाता है कि आपके फैमिली मेंबर में इतने लोग हैं, वैसे ही किसान कार्ड नंबर डालने के बाद आपकी पूरी जमीन की लिस्ट वहां पे आ जाएगी कि आपके पास इतना ही जमीन है। तो इससे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आने वाला है, तो इस चीज को मिस मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि क्या उत्तर प्रदेश में आपके भी डिस्ट्रिक्ट और आपके भी ग्राम सभा गांव में कृषि विभाग की टीम पहुंची है कि नहीं इस चीज को करने के लिए, क्योंकि इसमें सरकार के आदेश के हिसाब से इस महीने जुलाई के अंदर ही इसको कृषि विभाग के कर्मचारियों को द्वारा इसको कंप्लीट करना था और ये 1 अगस्त से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो अगर आपको घबराना नहीं है कि हमारे घर में जिसका फैमिली मेंबर नहीं है उसका कार्ड कैसे बनेगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस बात का, क्योंकि ये जब पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा तो आप जन सेवा केंद्र और सीएससी केंद्र पर जाके आप इस चीज़ को बनवा सकते हो किसान कार्ड को। और अगर किसान ऐप में अगर ये आएगा तो किसान ऐप को भी डाउनलोड करके आप इस काम को कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए होगी, और मिस मत करना इस चीज़ को, जारी इस कार्ड को ज़रूर बनवाना। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, और वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि क्या आपने किसान कार्ड बनवा लिया है कि नहीं बनवाया है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।